किसानों के ऊपर सीधी फायरिंग भी करी गई, बारापुर के छर्रों से चोट मारी गई, हमारे कई किसान भाइयों को चोट भी लगी है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और साथियों, पिछले दो दिन तक ये हालात बॉर्डर पर चल रहे, जो खनौरी बॉर्डर है, आपने सारी अपडेट मिलने लगा रही है। तो कल बताया जा रहा है कि कल गोलियां भी चली है और भी बहुत सारे लाठीचार्ज हुई है। अगर हरियाणा की परली साइड की बात करें बॉर्डर पर, तो उधर भी लाठीचार्ज हुई है, गाड़ियां तोड़ी गई है, मतलब कल बुरा हाल कराया गया, प्रशासन ने अपनी मनमानी करी है। तो अभी मनु कुआड़ हमारे साथ, मैं तो इनसे पूछें क्या कह रहा है कल। देखो, कल यहाँ पे एक इंजेक्शन मोटार बोला करें, इतने बड़े बड़े मोटार हुए हैं हमें, जो बॉर्डरों पर इस्तेमाल करे जाया करें, तो उनका इस्तेमाल कराया गया यहाँ पे किसानों के ऊपर, और सैकड़ों राउंड वे मोटार थे वे फायर करे गए, हजारों आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और किसानों के ऊपर सीधी फायरिंग भी करी गई, बारापुर के छर्रों से चोट मारी गई, हमारे कई किसान भाइयों को चोट भी लगी है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये आप ये वीडियो देखो, इसमें साफ तौर पर अगर आप देखोगे, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का जो जवान है, ये ऊपर गोली चला रहा है सीधा किसानों के बिल्कुल सामने करके। अगर यहाँ इंटरनेट चला तो मैं आपको ये वीडियो भेज भी दूंगा। तो जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर लोगों से व्यवहार कराया जा रहा है, जो गुंडागर्दी करी जा रही है, ये किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। और जो आपने बताया कल हरियाणा में उस तरफ भी लाठीचार्ज जो किया, तो हमारे सारे साथी हरियाणा के उधर हम गए थे, और उधर जाकर अपने साथियों को भाइयों को ये समझा के कि भाई आपने एकजुट होकर ये आंदोलन लड़ना है। अगर आप अलग अलग बटेंगे, सरकार तो चाहे है कि अलग अलग जगह बट जाएं, अगर अलग अलग जगह आप बटेंगे तो आप निश्चित तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे। और आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, जो हरियाणा पंजाब ने मिलजुल कर लड़े हैं, तो वो सारे आंदोलन जीते हैं। और जिस आंदोलन में आप हरियाणा पंजाब वाले अलग अलग हो गए, वहाँ हमने नुकसान उठाया है। तो इसलिए तमाम भाइयों के भी, कम से कम जो 4-5 हज़ार किसान भाई थे, उनको भी आप तरीके से इधर लेकर आए आप। और आज सुबह से ही हरियाणा के दूर दूर से जिलों से भी सारे किसान भाई यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और मजबूती के साथ मोर्चा लगा हुआ है। और आप देखोगे शुरू से लेकर आखिर तक, तो कम से कम 1 लाख भी किसान है, 1 लाख से भी ज़्यादा किसान हैं, जो पिछले 4-4.5 किलोमीटर तक के इस पूरे धरने प्रदर्शन में शामिल हैं। उसमें से 10-15 हज़ार किसान हरियाणा के हैं। इतनी बंदिशें होने के बावजूद, इतनी समस्या होने के बावजूद, बाकी जो 70-80 हज़ार किसान हैं, वो पंजाब के भी हैं, जो आज हरियाणा में एक अघोषित आपातकाल कर रखा है। अभी मेरे पास रिपोर्ट आ रही थी, जो हमारे रोहतक जिले के जो हमारे प्रधान हैं प्रमोद जी, वहाँ उन्होंने जींद रोहतक बॉर्डर पर, जींद रोहतक रोड पर उन्होंने वहाँ पर एक धरना भी लगा दिया, जहाँ पर 2-3 हज़ार किसान बैठे हैं। लेकिन वहाँ भी बहुत सारी पुलिस फोर्स भेज कर उन लोगों को, ट्रैक्टरों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ भी बहुत सारे ट्रैक्टर मोटरसाइकिलें तोड़ी गई हैं। तो ये एक पुलिस का तरीका नहीं होता कि आप किसी की गाड़ी को आगे तोड़ दो या किसी की और किसी चीज़ को तोड़ दो। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर सरकार को ये लगता है कि सरकार इस तरीके से लोगों को दबा लेगी, तो ये सरकार की गलतफहमी है। लोग दबने वाले नहीं है, लोग पीछे हटने वाले नहीं है, लोग मजबूती से डटेंगे। तो देखो, लोगों तक तो ठीक था, लेकिन कल की अगर बात करें, एक मीडिया साथी से भी बात हुई थी जो पत्रकार है, तो उसकी भी गाड़ी तोड़ दी गई, और उसका बोलना था कि मतलब वो कैमरे भी वो कर दिए गए, मतलब वो रिकॉर्डिंग भी नहीं करने दी हुई। देखो, उसका कारण ये है कि जो एक इस सरकार का जो राक्षसी चेहरा है, जो इस सरकार का एक गुंडागर्दी का चेहरा है, या सरकार नहीं चाहती कि वो इनका गुंडागर्दी का चेहरा पूरी दुनिया के सामने जावे, ये एक्सपोज हो जाएंगे पूरे तरीके से, इनका पर्दाफाश हो जाएगा। इसीलिए पत्रकारों को चोट भी मारी गई है, शंभू बॉर्डर वाली साइड भी, और इधर भी कुछ पत्रकारों के साथ बदतमीजी कराई, सरकार ने कराई, किसी किसान ने नहीं करी। तो इस तरीके से देखो, जो ये अत्याचार कर रहे हैं, इन्हें भी इस बात का पता है कि अगर ये अत्याचार पूरी दुनिया के सामने आ गया, तो इनकी बहुत हर जगह थू थू होगी, रोन भी लग रही है। जिस तरीके से जब पिछला आंदोलन शुरू हुआ, तो उस समय पूरे देश में मोदी जी की लोकप्रियता 66% थी, लेकिन जब आंदोलन खत्म हुआ, वो लोकप्रियता घटकर 16% रहेगी। तो प्राइम मिनिस्टर इस बात ने, सरकार इस बात ने अच्छे से जाने हैं कि अगर जो है सरकार की ज्यादती है, अगर यह पूरी दुनिया के सामने जब आवेगी, तो इस सरकार की बहुत बदनामी होगी और होने भी लग रही है। इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों पर भी हमले कराए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा, उनके कैमरे तोड़े जा रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है और सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। एक प्रशासन अधिकारी कल सिविल ड्रेस में पकड़ा गया है। हाँ, हमने यहाँ पे एक हरियाणा पुलिस का अधिकारी पकड़ा, जो मेरे साथ हरिकेश काबर छा जी भी थे, खटखट खाप के प्रधान भी, बड़े जिम्मेदार आदमी हैं। तो सारे लीडरशिप ने उसको बैठ कर ट्रॉली में बैठाया, उसके कागजात चेक करे, तो कागजात में जितने लीडर हैं उनके गाड़ी के नंबर, उनके नाम, कितने आदमी परमानेंट उनके साथ रहे हैं, या पूरी लिस्ट से उनने बना रखी थी उनने सारी चीज़ों की। और उसके फ़ोन में तो भी हमने देखा, तो बड़े बड़े अधिकारियों के फ़ोन आ रहे थे सारे उसके पास, और वो लोगों को एक तरीके से उकसाने का प्रयास यहाँ पर कर रहा था। तो यो एक सरकार का गंदा चेहरा बेनकाब हो चुका है कि सिविल ड्रेस में अपने आदमी भेजो, लोगों ने उकसाओ, और फिर लोगों ने बदनाम कर दो। तो यह चीज़, अब ये साजिश, ये चीज़ नहीं चलेंगी। अब सरकार का पूरे तरीके से पर्दाफाश हो चुका है,
पूरा देश जान चुका है कि ये सरकार कितनी निर्दयी सरकार है, कितनी गंदी सरकार है, कितनी घटिया सरकार है, कितनी किसान विरोधी सरकार है, कितनी जनता विरोधी सरकार है। तो वो सब लोगों को अब वो पता लग चुका है। अब वो तो अब इनका जो ये जो पूरा ये ढकोसला चला रखा है ना इनने, जो ढकोसला भी इनका ज़्यादा समय तक रहना नहीं। इसीलिए हमने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को भी ये कराया है कि भाई आप सबको पूरा अलर्ट रहना है। हो सकता है कि सरकार के कोई आदमी घुस के अपना कोई नुकसान करना चाहे। जैसे हम उस तरफ गए कल तो दो तीन आदमी, एक संदिग्ध तरह के आदमी थे, वो जानबूझ नौजवानों को उकसाने का प्रयास कर रहे थे। जब आप आ गए वहाँ पर और हमने उनको टाइट कराया तो वो सारे दूर भागने लग गए। वो तो मुझे तो ये लगता है कि वो सरकारी मुलाजिम थे, कुर्ते पजामे पहन कर डांटे मार रहे थे, तो वो लोगों को उकसाने का प्रयास कर रहे थे। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है तमाम भाइयों से कि इस उकसावे के प्रयासों में मत आइए। देखिए कोई भी जो मोर्चा होता है ना, मोर्चा शांति और धैर्य के साथ ही जीता जाता है। किसी भी मोर्चे में अगर हिंसा होगी तो नहीं मान लो मोर्चा उसी दिन आधा कमजोर हो गया। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कल तमाम संगठनों की यहाँ बैठक हुई थी, दोनों फॉर्मों ने भी ये डिस्कस कराया कि जो अपने हरियाणा के जितने भी साथी हैं जो अपने आज भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर पहुँच रहे हैं, सारे भाई व्यवस्थित तरीके से इधर आवें और जब पूरे दोनों फॉर्मा का आदेश हो जाएगा तब आप मोर्चा तोड़कर आगे बढ़ेंगे। जो आज शाम 5 बजे बैठक है तो उसमें क्या रहने वाला? देखो कोई भी बैठक में अगर आप जाएं तो बैठक में पॉजिटिवली जाना चाहिए। तो अब आप पॉजिटिवली हमारे साथी गए हैं, आज हमने दूसरे साथियों की ड्यूटी लगाई है। क्योंकि देखो ये जो मैं आपको बताऊं, परसों जब से यहाँ पर आए हैं हमने एक भी सेकंड के लिए ये मोर्चा नहीं छोड़ा है। बहुत सारे और भी कई पत्रकार भाई आवे हमें कहें कि बिला जी थोड़ा उधर आ जाओ, थोड़ा उधर आ जाओ। हमने कहा कि नहीं भाई, कोई और साथी आवे मिलने के लिए, मैं कहा भाई यहाँ आओ। क्योंकि जो ये लाखों आदमी हैं इनकी जिम्मेदारी बनती है हमारे ऊपर। अगर किसी माँ के बेटे का नुकसान हो गया तो उसके दोषी हम मानने जाओगे, जीवन भर उसका पछतावा हमारे मन पर नहीं जाओगा। इसलिए हम बिल्कुल 24 घंटे यहीं पर हैं। हमने और साथी आज मीटिंग में गए हैं, हमारे और साथी लगभग 7 लोगों की टीम एक फॉरम की तरफ से गई है, दोनों फॉरमों की तरफ से 14 साथी जाओगे और सरकार जो बात लेकर आई उस बात में विचार करेंगे, सुनेंगे उस बात में। एक चीज़ और सामने आ रही हुई है कि मतलब कह रहे हैं कि जो किसान बैठे हैं यहाँ पे या फिर शंभू बॉर्डर की बात करें तो नेतृत्व करने वाला नहीं है कोई। नहीं आप देखो ये किसान जो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं खनौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर, हमारे किसानों की तरफ से 1% भी हिंसा नहीं हुई, तो ये नेतृत्व के कारण तो संभव हो पाया होगा भाई। और नेतृत्व किसने कहे हैं? अब हो सका है सरकार वाले नेतृत्व उसने समझते हो, अगर मोदी साहब कितनी 8,000 करोड़ के जहाज में उतरेंगे, 500 करोड़ का जनता के रुपये का हेलीकॉप्टर ले आओगे और फिर बेवजह की हवाबाजी करेंगे। अगर हो सके सरकार उसने नेतृत्व मानती हो, हमारा तो नेतृत्व हमारा मानना ही है कि नेतृत्व वो होगा जो जनता के बीच में, जनता के दौड़े, सड़क पर सोवे, सड़क पर खावे, सारे काम याड़ा ही करे। और यो इन भाइयों का प्रेम है कि आप देखो यार स्टेज चल रही है, आप दिखाओ बेशक एक बार शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है, तो ये नेतृत्व के कारण तो संभव हो पाया होगा। यो बिना नेतृत्व के क्यों कर संभव हो जाएगा यो? तो आज जो पूरे तरीके से 3 दिनों से शांति है, ये दोनों फॉर्मों के नेतृत्व की एक तरीके से मैं ये एक जीत कहूँगा कि उन्होंने सरकार द्वारा इतने उकसाने के बावजूद जो इतने शांतिपूर्ण रहे हैं, ये नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। अब तक मतलब कितनी बातचीत हुई सरकार से, उसमें अब तक बात नहीं बन पाई है, तो अब लगता है कि कुछ बात बन पाएगी? जो MSP का मुद्दा, जो पिछली बैठक 12 तारीख को हुई थी MSP के मुद्दे पे, अपने किसान मजदूरों के कर्ज माफी के मुद्दे पे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुद्दे पे सरकार ने कुछ नहीं कहा। बाकी लखीमपुर खीरी वाले मैटर पर उन्होंने ये कहा था कि भाई हम जो किसान शहीद हुए उनके परिवारों को नौकरी दे देंगे, घायलों को 10-10 लाख का मुआवजा दे देंगे, हम जितने मुकदमे बचे हुए हैं दिल्ली के और चंडीगढ़ के वो हटा देंगे, और भी 2-3 बातें कही। लेकिन जो हमारे MSP का मुद्दा है, कर्ज माफी का मुद्दा है, जो हमारा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का मुद्दा, उस पर सरकार की तरफ से कुछ भी ठोस नहीं था। आज क्या आएगा मीटिंग में वो हम आपसे साझा कर देंगे। उसके बाद मतलब कुछ हल निकलेगा या नहीं निकलेगा उसके बाद आगे की रणनीति रहेगी? देखो आप उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद करना चाहिए कि हल निकला, नहीं निकलेगा तो आप आगे बढ़ेंगे दोनों फॉर्मों के फैसले के बाद। दिल्ली कुछ होगा, निश्चित तौर पर होगा। अभिमन्यु जी, क्या आपकी किसान नेताओं से औरों से भी बातचीत चल रही है? देखो जो जो किसान नेता दोनों फॉर्मा के नियम कानून मान के, रूल रेगुलेशन मान के आंदोलन को मजबूत करना चाहते हैं, पहले भी उनका स्वागत था, आज भी स्वागत है, कल भी स्वागत रहेगा। तो आपा को किसी को कोई किसी से कोई मतभेद नहीं है, कोई इशू नहीं है। जो रूल रेगुलेशन मान काना चाहे उनका स्वागत करा जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? अभिमन्यु जी एक सवाल हो रहा है, एक जैसे गुरु उसका अपना बहादुरगढ़ के जो व्यापारी हैं उनकी तरफ से आया कि भाई वो किसान स्वागत है, हम उनके हितैषी हैं, पर वो इसकी बजाय अगर सरकार उनको कोई और जगह दे दे या वो जहाँ पर वही पक्का मोर्चा लगा दे, क्या इस प्रकार से भी कोई विचार किया जा सकता है? नहीं, हमने तो जंतर मंतर जगह मांग रखी है, पहले लिखित में दे रखा है, सरकार जंतर मंतर हमें दे दे हम वहाँ चले जाएंगे। कोई रोड पे बैठने का शौक थोड़ी ना हमें, जंतर मंतर में जगह दे सरकार हम वहाँ जाएंगे।
तो साथियों लगातार तस्वीरें आप देख रहे हो खनौरी बॉर्डर की, किस किस प्रकार दो दिन तक यहाँ पे माहौल रहा है। और आज 5 बजे मीटिंग है, तो जो वहाँ पे निष्कर्ष निकल कर होगा वो भी आपने दिखाएंगे। तो लगातार किस प्रकार का बताया भी, कल गोलियां भी चली गई है और एक प्रशासन का ही व्यक्ति बीच में आकर मतलब किसानों को भड़काने का काम किया गया। तो इस सारी साजिशा ने लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताएं और तस्वीरों को शेयर करें। आगे की अपडेट भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जय हिंद।